गुड मॉर्निंग एंड लेट्स सेलिब्रेट। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है और मैं एक बिजनेस कोच हूँ और पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूँ। आज का हमारा विषय है कि क्या आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई आपको फ्यूचर दिखाई नहीं देता और आपको लगता है यार ज़िंदगी में सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। हर एक को अपना लगा हुआ है, मेरे इम्प्लॉइज जो है उनको अपनी सैलरी चाहिए, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, टैक्सेस हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, मुनाफा कहीं दिखाई नहीं देता, जो भी स्टेप लेता हूँ वो हमेशा उल्टा ही पड़ता है। आज बिजनेस कोचिंग के, पब्लिक स्पीकिंग के मेरे 10 सेंटर हैं। मैं आज करीब 18 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं स्टार्ट हुआ था सन 2000 के अंदर 21 मई को, तो क्या मुझे फ़ौरन चलते ही एकदम से सक्सेस मिल गई थी? क्या आप जानते हैं 7 साल लगे थे मुझे, 7.5 साल लगे थे मुझे सक्सेस को अचीव करने में। हर वो बुरा दिन मैंने देखा है, और उससे पहले 1998 के अंदर भी जब मुझे 97-98 में मुझे हार मिली, मेरे गारमेंट्स का बिजनेस एकदम से धीरे धीरे फ्लॉप होता गया, मुझे भी हार दिखाई दी थी, मुझे भी डिप्रेशन हुआ था, मैं आपके सामने एडमिट करता हूँ। इतना ज़बरदस्त कि हर जगह से मुझे गुड्स रिटर्न मिल रहे थे, हर जगह से मेरा माल कहीं पर एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि मैं जब लुधियाना में फ़ोन किया अपनी सबसे बड़ी पार्टी पर, जिसके बाद लाखों रुपया मेरा पड़ा हुआ था, उसने फ़ोन उठाने के बाद मुझे 10 तरह की गालियाँ दी और साथ में कहा अगर एक बार भी तू यहां पर आया ना लुधियाना में तेरे टांगे तोड़ दूंगा मैं। इसका मतलब वो मेरे लाखों की पेमेंट वो अलग से गई। एक एक करके हर जगह से गुड्स रिटर्न गुडविल मेरी खत्म होती जा रही थी, वो जो 8-9 साल से मैंने बना के रखी थी एकदम खत्म होती चली जा रही थी। नतीजा एक रात जब इस इंसान ने लुधियाना के मुझे मना किया पेमेंट के लिए, मैं ऑफिस में था शाम को 7 बजे, मैं चिंता करता गया, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, मैं चिंता करता गया और रात के 10-11 बजे मुझे नहीं पता मैं कैसे गाड़ी को चला के घर पे पहुंचाऊंगा, और रात को ड्राइंग रूम से लॉबी, लॉबी से ड्राइंग रूम, लॉबी से ड्राइंग रूम से लॉबी, मैं सारा वक्त चलता गया। रात को मैं शायद 3 या 3:30 बजे जाके सोया हूँगा, सुबह 6 बजे उठा और ये सोच करके उठा कि आज मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँगा। मैं सबसे बड़ा सबक सीखा है, सुनिए, मैंने सोच लिया था कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाला हूँ, और सुबह मैं उठाऊं और उठने के बाद मैं तैयार हुआ और 8:30 बजे मैंने सोच लिया था कि आज मैं अपने सारे के सारे बैंक में जितना पैसा है उठा करके अपने बच्चों के, अपनी वाइफ के नाम करूंगा और जाके मैं किसी मकान से कूद करके या किसी ट्रेन के नीचे आ जाऊंगा। मैं घर से चलता हूं, जैसे ही मैं घर से चला मेरी गाड़ी के अंदर टायर पंक्चर, मैं उस गाड़ी को उठा करके सीधा पास के जो टायर पंक्चर वाला था वहाँ पहुँचा और देखा उसकी दुकान बंद है, मैं वहीं पर खड़े होकर इंतजार करने लगा। मैंने ठीक है यार, ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली है। क्या देखता हूँ, दूर से एक इंसान मेरी तरफ आ रहा है, एक भिखारी आ रहा था, उसके यहाँ पर एक गनी बैग लगा हुआ था सर के ऊपर, क्योंकि उसका एक हाथ यहाँ से कटा हुआ था और टांग उसकी आधी थी, और वो क्लचिस से चलता हुआ धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था, और वो था क्या, वो रैग पिकर था, वो झुकता प्लास्टिक उठाता और सिर के पीछे जो उसके गनी बैग उसने लगा के रखा हुआ था उसके अंदर डाल देता, झुकता उठाता उसको पीछे रखता, वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था, और मैंने सोच लिया था कि मेरे पास आएगा और आके भीख मांगेगा और मैं इसको 100-200 रुपया जितना मेरा पर्स सारा उठा के मैं इसको दे दूंगा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आया और आने के बाद उसने भीख मांगने की जगह मेरी तरफ देखा और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए निकल गया। मैंने सोचा कितनी अजीब सी बात है, इसके पास एक टांग है, मेरे पास 2 टांगे हैं, इसके पास एक हाथ है, मेरे पास 2 हाथ है, इसका बिजनेस ये गनी बैग है और मेरा बिजनेस अभी भी कुछ ना कुछ बचा हुआ है, आज इसके बाद छत नहीं है, मेरा पूरा मकान पड़ा हुआ है, इसके बाद परिवार होगा मुझे डाउट है, मेरे पास वाइफ है, मेरे बच्चे भी हैं, उसके बावजूद भी मैं चिंता कर रहा हूँ, ये कितना खुश है। अनुराग, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। तुम ये क्यों देख रहे हो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, बिजनेस फ्लॉप हो गया तो होने दो यार, इस बिजनेस को हमने यहीं से तो बनाया है, फिर दोबारा से ले आएंगे। काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स, वो आपने नर्सरी हिम सुनी होगी शायद बच्चों के स्कूल के अंदर, क्या है वो, काउंट योर ब्लेसिंग नेम देम वन बाय वन, काउंट योर ब्लेसिंग सी व्हाट लॉर्ड हैथ डन, काउंट योर ब्लेसिंग्स नेम देम वन बाय वन एंड इट शैल सरप्राइज यू व्हाट द लॉर्ड हैथ डन। काउंट योर ब्लेसिंग्स, ये देखिए कि आपके पास क्या है, ये क्यों देखते हो कि आपके पास क्या नहीं है। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, उसके बच्चे की दोनों आंखें नहीं है, और उसने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि अगर कोई इंसान अपनी दोनों की दोनों, देखो एक नहीं दोनों की दोनों अपनी आंखें दे दे, अमीर इंसान है वो, तो वो 50 करोड़ रुपए देने को तैयार है। कोई है आप में से जो अपनी दोनों की दोनों आंखें, एक नहीं दोनों आंखें 50 करोड़ रुपए के लिए देने को तैयार हो? नहीं,
अच्छा ओके, 60 करोड़, मैं 70 की बात करूं, 70 करोड़ में दोनों की दोनों आंखें, 80 में, 90 के अंदर, चलो आंखें छोड़ते हैं, किडनी की बात करें हम लोग, फेफड़ों की बात करें, गुर्दों की बात करें हम लोग, आप मेरा मतलब समझ चुके होंगे। आपके पास करोड़ों नहीं, अरबों खरबों रुपए का आपका शरीर है, आपका दिमाग है, आपको उसकी कोई परवाह नहीं है। जिंदगी में हर वो चीज़ आपको मिल रही है, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास हाथ है, पैर है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने अपने मकान को, अपनी झोपड़ी को इसलिए आग लगा रहे हैं क्योंकि दूसरों के पास महल है। मत देखो उनकी तरफ, ये देखो कि आप क्या कर सकते हो। आज आप सांस ले रहे हो, क्या आप जानते हैं लाखों लोग, जब तक मैं आपसे बात कर चुका हूँ, लाखों लोग या लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों लोग इसी बात के ड्यूरेशन के अंदर कितने अपनी ज़िंदगी को अपने अपने जान से हाथ धो चुके होंगे। हम लोग जिंदा हैं, क्या ये कम सौगात है हमारे लिए? काउंट योर ब्लेसिंग, जो है उसकी तरफ देखिए, जो नहीं है उसकी तरफ क्यों भागते हैं आप लोग? खुश रहो यार, जिंदगी में सिर्फ एक लाइफ हम लोग को मिली है, जस्ट वन लाइफ, एक लाइफ मिली है। अगर स्वर्ग है तो यहाँ पर है, नर्क है तो यहीं पर है। मैं नहीं विश्वास करता किसी भी तरह के रीबर्थ के अंदर, पुनर्जन्म के अंदर, रीइंकार्नेशन के अंदर, मेरा कोई विश्वास नहीं। मेरा तो मानना है अगर जिंदगी है तो देयर इज जस्ट वन लाइफ, वन लाइफ। इस जिंदगी में, इस लाइफ में जो आपको मिलता है इसको कर लो आप लोग। लिविंग टुडे, हम लोग आज क्या है? हम लोग आज हैं जो हम लोगों ने कल किया था। हम लोग कल क्या होंगे? कल हम लोग वो होंगे जो हम लोग आज करेंगे। मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस वेरी डे, छोड़ दो पीछे जो हुआ था, छोड़ दो जो कल आने गया होने वाला है, ध्यान दो आप लोग अपनी जिंदगी में आज के लिए। Count your blessings, not your troubles. Live in this very day. Seize the day. Hold the day. लास्ट में दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे इस पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना है या फिर बिजनेस कोर्स आप करना चाहते हैं तो ऊपर लिखे हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और किसी कारण से अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे की तरफ जाके इस चैनल को अब सब्सक्राइब आप कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर हिट करना है आप लोगों ने। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, आप लाइक भी कर सकते हैं, और नीचे की तरफ जाके अगर कोई कमेंट है तो उसको ज़रूर लिखिएगा, हम लोग इसको बहुत शौक से पढ़ते हैं। और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शबकैर बी सिंह, या गुड नाइट।